FIA लाहौर ने फराह कोकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक FIA लाहौर ने पंजाब एंटी करप्शन लाहौर की तरफ से फराह कोकी के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के खिलाफ भेजी गई दरख्वास्त पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इरफान मलिक से तफसीला जानते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से एंटी करप्शन की दरख्वास्त के ऊपर फराह कोकी के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के जो मनी लॉन्ड्रिंग और उसके साथ साथ असासों में इजाफे के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और FIA हुकाम का कहना है कि फराह कोकी ने गुज़िश्ता दौर में RPOs, कमिश्नर्स, DPOs और DC वगैरह की तैनातियों के लिए अरबों रुपए की रिश्वत वसूल की। और इसके साथ साथ फराह कोकी ने फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट में 2021 में 60 करोड़ रुपये मालियत की 10 एकड़ अराजी अपनी कंपनी अलमोइज डेरीज एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे गैर कानूनी तौर पर सिर्फ 8 करोड़ रुपये में अलाट करवाई थी। और इसी के साथ साथ फराह कोकी ने सरकारी अफसरान और पर दबाव के जरिए ठेकाजात के टेंडर और गैर कानूनी तौर पर अवार्ड करवाने की मद में 20 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। और तहकीकत के दौरान फराह कोकी के जाती बैंक अकाउंट में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के पिछले 3 सालों में तकरीबन 84 करोड़ रुपये जमा करवाए गए, जो जरिया कैश थे, जो उनकी जरिया आमदनी से मसलत नहीं रखते थे। इसी तरह फराह कोकी के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में मजमू तौर पर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तकरीबन 1 अरब से जायद रुपये बजरिया कैश जो है वो ट्रांजेक्शन हुई। और सिर्फ साल 2019 और 2020 में फराह कोकी के बैंक अकाउंट में तकरीबन 41 करोड़ रुपये के बजरिया कैश जो है वो जमा करवाए गए। इसी तरह आपको ये भी बताते चले कि फराह कोकी के बैंक अकाउंट में कैश तकरीबन 50 से जायद कैश राइडर्स ने जमा करवाए, जिनकी तहकीकात की जा रही है। और इसके साथ साथ FIA हुकाम का कहना था कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने फराह कोकी के नाम पे बनने वाले तकरीबन 52 करोड़ रुपये मालियत के असासाजात बशमूल कमर्शल और रिहायशी प्लाट, प्लाजे और घर जो बैरिया टाउन लाहौर और DHA लाहौर और इस्लामाबाद में वाक़ हैं वो भी सामने आए हैं। फराह कोकी के करप्शन और रिश्वत स्थानी और गैर कानूनी सियासी असर रसूख दबाव के जरिए अरबों रुपये कमाए और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासाजात जो हैं इनको मुंतकिल किया गया। FIA हुकाम का कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है और इसके साथ साथ दीगर जो बड़े बड़े सियासी और सरकारी नाम भी सामने आएंगे उनके खिलाफ भी तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।